Assalamu alaikum dear students, I hope you all are fine. This is just a revision of your chapter number 1 as we have done with half of your book. हम लोग आधी किताब पढ़ चुके हैं तो हम लोग स्टार्टिंग से चैप्टर्स को रिवाइज़ करेंगे. चैप्टर नंबर 1 की रिवीजन है. एज यू पीपल कैन सी हमने किसके बारे में पढ़ा, प्रिंस और पॉपर के बारे में, जो कि एक्सचेंज होते हैं, जिनकी जगह आपस में चेंज हो जाती है, एक दूसरे की जगह चले जाते हैं. चैप्टर 1 वाज अ पॉपर एंड अ प्रिंस और उसमें हमने पढ़ा कि एक पॉपर था और एक प्रिंस. पॉपर द बैगर, प्रिंस द सन ऑफ द किंग. 1537 में लंदन सिटी में ही टू चिल्ड्रन वर बॉर्न, दो बच्चे पैदा हुए थे, एक पॉपर के घर में और एक किंग के घर में. जो पॉपर के घर में पैदा हुआ उसका नाम था टॉम और जो किंग के घर में पैदा हुआ उसका नाम था एडवर्ड. जो पुअर फैमिली थी वो रहती थी फर्स्ट स्ट्रीट में और जो किंग था वो किंग ऑफ लंदन, उसका एक ही बेटा था और उसके पहले बेटे की खुशी में उसने पूरे लंदन में म्यूज़िक, डांसिंग, फन और फीस्टिंग कराया हर जगह. फीस्टिंग, दावत, ट्रीट. उसके बाद नेक्स्ट पार्ट वाज़ द कैंटी फैमिली ऑफ फिश स्ट्रीट. कैंटी फैमिली कौन सी थी, जिसमें टॉम पैदा हुआ था, बेगर्स की फैमिली. वो बहुत पुअर थे, बहुत गरीब थे और वो लोग लिव्ड इन वन रूम ऑन द थर्ड फ्लोर, तीसरी मंजिल पर एक कमरे में रहते थे. सोने के लिए उनके पास सिर्फ झाड़ पूछ था, जो कि घास और कचरा वगैरह, बोरियां, फटे कपड़े, उनको बिछा के वो इस फर्श पर सोया करते थे. और उनका कारोबार क्या था, टॉम का बाप एक भिखारी था और वो चोरियां भी करता था, चोर भी था, और वो टॉम को भी अपनी तरह एक भिखारी बनाना चाहता था. उसके बाद हमने पढ़ा कि उसकी फैमिली में कौन कौन था, उसका बाप, उसकी माँ और उसकी दो बहनें और दादी माँ, उसकी ग्रैंड मदर और फादर. टॉम के ग्रैंड मदर और फादर जो हैं, ग्रैंड मदर, उसकी दादी और उसका बाप जो है वो इंतहाई ज़ालिम थे, उसके साथ बहुत बुरा सलूक करते थे, लेकिन उसकी बहनें और उसकी जो माँ है वो उसके साथ अच्छा सलूक करती थी. फादर एंड्रियो कौन थे, वो वहाँ पर एक पादरी थे, प्रीस्ट थे, जो के पहले महल में होते थे लेकिन उनको बाद में महल से जाना पड़ा. किस वजह से, क्योंकि वो बूढ़े हो गए थे और उस तरह से अपने आप को, अपनी स्किल्स को शो नहीं कर सकते थे, उतनी मेहनत नहीं कर सकते थे, तो उन्हें महल से निकाल दिया गया. वो अब गुर्बत में फिश स्ट्रीट में रह रहे हैं और बच्चों को छुप छुप कर पढ़ाते हैं, क्योंकि वहाँ पर लोगों को पसंद नहीं होता कि बच्चे पढ़ें लिखें और जाने के मांगना बुरी बात है और चोरी करना भी गलत हरकत है. फिश स्ट्रीट में हर वक्त शोर शराबा रहता था, लोग बुरी तरह एक दूसरे से मारपीट करते रहते थे, सब फटे कपड़े और इस तरह रहते थे. किसी के पास किताबें नहीं थी क्योंकि वो वहाँ पर बहुत महंगी और एक्सपेंसिव हुआ करती थी. वहाँ पर बच्चे नहाना धोना दरिया में किया करते थे. टॉम भी बच्चों के साथ नहाता धोता था, खेलता था, लेकिन वो इसलिए क्योंकि वो साफ़ रहना चाहता था. अगला पार्ट है टॉम का ड्रीम और उसकी विशेस. उसके क्या ड्रीम्स थे, उसके क्या ख्वाब थे और उसकी क्या ख्वाहिश थी. हमने पढ़ा कि टॉम पढ़ने के बाद उसे रियलाइज़ हुआ, पहले वो समझता था कि पूरी दुनिया ही इस तरह की है, गरीब और घास फूस पर सोती है, लेकिन उसे बाद में पता लगा कि नहीं, सब जगह फिश स्ट्रीट जैसी नहीं है. कुछ अच्छी जगहें हैं, कुछ बुरी जगहें हैं, कुछ लोग बेकारी हैं, मांगने वाले हैं और कुछ लोग अमीर शहजादे हैं. पहले तो दूसरे लोग उस पर हंसने लगे जब उसने पढ़ना लिखना शुरू किया और अच्छे तरीके से बिहेव करना शुरू किया, लेकिन बाद में सब उसकी रिस्पेक्ट करते थे क्योंकि वो अच्छा सलूक करता था सबसे और अच्छे तरीके से रहता था. देन वी रेड दैट किस तरह उसने गलियों में मांगना और इन सब चीज़ों को अपने लिए बुरा समझा, लेकिन फिर भी उसके पास और कोई रोज़गार नहीं था, उसने यही करना था, वरना उसकी दादी और उसका बाप जो है उसे बहुत मारते थे.
इन सब रियलाइजेशन के बाद सब चीज़ें जब उसे समझ आने शुरू हुई तो वो ख्वाब में भी अपनी ये चीज़ें देखना शुरू हो गया और उस चीज़ की ख्वाहिश करना शुरू हो गया। उसने ख्वाब में अपने आप को एक प्रिंस के तौर पे देखा, लेकिन जैसे ही उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि वो वहीं गंदी फिश स्ट्रीट में उसी घास फूस पर कचरे में पड़ा हुआ है। चिल्ड्रन, व्हाट यू पीपल नीड टू डू इज़, आप लोगों को पिक्चर्स भी सेंड की गई हैं लेसन के साथ, आप लोगों ने उन पिक्चर्स को सिंपली कॉपी करना है। एक है आपके क्वेश्चन आंसर्स की, क्वेश्चन आंसर्स और सिनोनिम्स, उसके अलावा मेक सेंटेंसेस। सबसे पहले आप चैप्टर का नाम लिखोगे, उसके बाद आप सेंटेंसेस बनाओगे, सॉरी आप सबसे पहले आपने करने हैं वर्ड मीनिंग्स, वर्ड मीनिंग्स सिनोनिम्स करने के बाद आपने दूसरा क्वेश्चन करना है ऐसे, आपने पहला चैप्टर का नंबर लिखना है, चैप्टर का नाम, ऐसे तीन रॉज बनानी है और ये फ़ोटो मैं आपको भेज दूंगी साथ। सबसे पहले आपने ये पेज ले कॉपी करना है, आफ्टर दिस पेज यू हैव टू कॉपी दीज मेक सेंटेंसेस। सेंटेंसेस वाला पेज क्वेश्चन नंबर वन विल बी वर्ड मीनिंग्स एंड सिनोनिम्स, क्वेश्चन नंबर टू व्हाट विल यू राइट आफ्टर द सिनोनिम्स विल बी मेक सेंटेंसेस। पहले आपने मीनिंग्स लिखने हैं चैप्टर का नाम वगैरह लिखने के बाद, उसके बाद अगर पेज के नीचे ज़्यादा जगह बच जाए तो वहीं से मेक सेंटेंसेस स्टार्ट कर लें, नहीं तो नेक्स्ट पेज से स्टार्ट कर लें। सेंटेंसेस की भी तस्वीर आपको मिल जाएगी, सेंटेंसेस ख़त्म होने के बाद एंडिंग लाइन ड्रॉ करें और नीचे से क्वेश्चन आंसर्स शुरू कर दें। तीनों चीज़ों के पिक्चर्स आपको साथ प्रोवाइड की जाएंगी लेसन के। काइंडली आप लोग एक दफ़ा इसकी रीडिंग करें, दिस विल बी योर होमवर्क, और आपने नोट्स कॉपी करने हैं फ्रॉम द पिक्चर्स प्रोवाइडेड टू यू। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, मीट यू इन द रिविजन ऑफ चैप्टर नंबर टू, टिल देन अल्लाह हाफिज़।